बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइज हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइज आज की वीडियो इस्लामिक बयान चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है पीछे देखो, पीछे बच्चों से बड़ा इंटरटेनमेंट कोई नहीं है, बाय मुफ्ती तारिक मसूद। और वाकई में ये जो बच्चा है ना, पीछे देखो पीछे, अहमद नाम है इनका, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और पाकिस्तान से है और ना सिर्फ पाकिस्तान है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है ये बंदा बच्चा। पीछे देखो पीछे इसका डायलॉग जो मशहूर हुआ था ना, पीछे देखो पीछे, हाँ पठान, पठानी बच्चा पठान है। और बताऊँ क्या, छोटा सा गोल मटोला गोल है उसका चश्मा, एक तो फनी है, दूसरा वो पठान है और तो कुर्ता पजामा जो पहनता ना, तो ना छोटा बच्चा कुर्ता पजामा अलग ही लगता है वो, और रहे गोलू मोलू सा तो अलग ही उसे देख कर अच्छा लगता है। वाकई में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है वो बच्चा, मतलब एंटरटेनमेंट करता है बहुत ज़्यादा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब बताएंगे, और आप चाहो तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का अपना चैनल जो कि मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चों से बड़ी एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया में कोई नहीं है। बच्चा इतना एंटरटेन करता है, इतना एंटरटेन करता है कि आपकी सोच होगी ट्रेनिंग वाले कमबख्त ना इनका अपना खानदान ना दूसरों के खानदान इनको पसंद है। घर में अगर एक बच्चा, वो तो वो जो यूट्यूब पे आया था ना, पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो, वो तो एक बच्चा था, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे की खिलखिलाहट, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। बच्चा जब हंसता है ना खिलखिला के, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो क्या हो गया, अभी मैं तो जा रहा हूं दावतों में, हजार हजार गज के बंगलों में, यार बच्चे ही नहीं है। मालदार लोग हैं, दो बच्चों के बाद बस खातून समझा रही अपनी बहू को, देख पहले इनकी अच्छी तरह तरबियत कर ले, बस इन्हीं की कर ले। ये भी दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट है कि तीसरा आ गया तो इनकी तरबियत नहीं होगी। पता नहीं किसने पटियां सिखा दी हैं, बच्चे खुद बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। यकीन ना आए ना, एक बच्चा अपनी गोद में लेके बैठे हैं, वो चुप करके बैठा रहेगा, जैसे ही दूसरा बच्चा आएगा बच्चा एकदम खिलखिलाना, उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। बच्चे को अपने करीबी उम्र दूसरा बच्चा चाहिए। बच्चे जो घर में होने चाहिए ना, सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए होने चाहिए। देखो मेरे वालदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आज मैं अपनी बातें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूं। आज बहन भाई एक दूसरे का साथ देते हैं, हम सात बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये ना होते तो मेरी जिंदगी में तन्हाई होती। जो रिश्ते बहन भाइयों से मोहब्बत मिलती है वो बीवी से नहीं मिलती, जो बीवी से मिलती है वो बहन भाइयों से नहीं मिलती, जो वालदैन से मिलती है वो दोस्तों से नहीं मिलती। हर मोहब्बत का दायरा एकार दूसरे से अलग है। भाई से जो मोहब्बत मिलती है वो बहन से नहीं मिलती, बहन से जिस किस्म की बातें कर सकता है वो भाई से नहीं कर सकता। तभी तो कुरान के अल्फाज देखो, याहबुली मई यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां देता हूं। कम से कम बेटियों का लफ्ज तीन के अदद पे सादिक आता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी हो। जिसको चाहता हूं जुकराना बेटे गिफ्ट करता हूं, बेटा या दो बेटे नहीं बल्कि बेटे, कम से कम कितने, तीन। आऊ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसको चाहता हूं बेटे भी देता हूं और बेटियां भी गिफ्ट करता हूं। गिफ्ट के लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यह पेनल्टी नहीं है, औलाद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, तोहफा है। खुदा जिसको तोहफा कह रहा है, तुम फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में आके उसको जुर्माना कह रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि यार ये जिम्मेदारी मेरे खोपड़ी में आके पड़ गई है, ये कैसी फजूल बात है कि नहीं? आप कह रहे हो यार ये तो बड़ी टेंशन है, दूसरे के बाद तीसरा क्यों टेंशन, ये तो खुदा कह रहे गिफ्ट है, तो खुदा भी गलती कर सकता है क्या? लेकिन आपका जहन फैमिली प्लानिंग वालों ने, उलमा का जहन खराब कर दिया है। उलमा वही बातें कर रहे हैं, वही गिनतियां जो दुनिया पढ़ रही है गिनतियां। तो कम से कम तीन बेटे और कम से कम तीन बेटियां, इसका कुरान जिक्र कर रहे हैं। कम से कम ये गिफ्ट की इब्तदा है, यहां से गिफ्ट शुरू होता है। फैमिली मुकम्मल होती है कम से कम तीन बेटे हो और कम से कम तीन बेटियां, यहां से फैमिली की तकमील की इब्तदा हो रही है।
آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، یمددکم باموالین وبنین، کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں، یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی، آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا، فلاں کا بچہ تو ایک نمبر کا چور، فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی ہے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے، لیکن ایسے واقع لاکھوں میں ایک ہیں، ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے، ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا، آڑ بن گیا، لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو، اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ، مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے، فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے، محفوظ ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، بڑے بڑے بنگلے خالی، پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی اللہ نے، یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں، معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی، غریبوں کی کم، یہ معاشی مسئلہ نہیں، حوث ہے، حوث حوث کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں۔ جو کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار، اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا، جو بچہ نہیں پیدا کر رہا کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیا تھا، مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا، ان مولویوں کو دیکھو، اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے، اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے، یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ آبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے، بہت مشکل ہے، بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے، یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے۔ آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں، ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں، وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے، تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے، آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم، وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ بی بی سی کی خبر ہے، میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے، جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا۔ یہ تو کچھ اور ہی سن لیا، حالانکہ ہمیں نا یہ دکھایا جاتا ہے یا یہ بولا جاتا ہے یا یہ سمجھایا جاتا ہے، ہمارے دماغوں میں یہ ٹھوسا جاتا ہے کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، آگے دقت ہو جائے گی، جتنے ہو سکے بچے کم کرو، ہمارے بچپن سے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، اب پتہ نہیں کیوں کیسے پتہ نہیں، بٹ یہ ڈالی گئی ہیں۔ اور واقعی میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کافی ساری کنٹری دیکھو نا، کینیڈا دیکھ لو، اتنا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک اور پاپولیشن شاید 4-5 یا 5-6 کروڑ کے آس پاس ہی ہے، آسٹریلیا پاپولیشن 3 کروڑ، اتنا بڑا ملک ہے، اور بھی یوروپین بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر آبادی بہت کم ہے، رشیا میں بھی شاید زیادہ نہیں ہے، 14-15 کروڑ کے آس پاس ہے بس یہ آبادی۔ ایک تو ہمارے یہاں زیادہ ہے انڈین سب کانٹیننٹ پہ، یا یہ ایشیا میں زیادہ ہے، چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا لگا لو، بھی ایشیا میں ہے، تو ایشیا میں زیادہ آبادی ہے، ادر وائز اور کہیں دیکھ لو تو وہاں تو بہت ہی کم آبادی ہے۔ تو اب وہ میں بھی ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی جو آبادی بڑی ہوئی ہے ان کو روکو، ہم اپنی آبادی بڑھائے، تو یہ ایسا پروپیگنڈا پھیلاؤ کہ اب آبادی زیادہ ہو رہی ہے، دقت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، پتہ نہیں ویسٹرن میڈیا ہے وہ کیا کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پتہ نہیں اس کے لیے کیا ہی ہے۔ تو چلو ٹاپک سے ہٹتے ہیں ہم، جو ٹاپک تھا کہ بچہ، پیچھے دیکھو پیچھے والا بچہ، میں نے اس کے کافی انٹرویو بھی دیکھے ہیں، جو بچہ ہے نا احمد نام ہے ان کا، تو کافی انٹرویو دیکھے ہیں ان کے، کہ انٹرویو پہ بہت جگہ یہ گئے بھی ہیں انٹرویو پہ، اور پاکستانی جو وہ آتے ہیں نا ٹی وی شوز آتے ہیں ان میں بہت بار گئے ہیں احمد،
पीछे देखो पीछे, वाक्य में पीछे देखो, वो एक तरह से एक स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एक जैसे नॉर्मल बच्चा बात करता है ना, बस उसकी वीडियो बना ली और वो इतनी क्यूट सी वीडियो थी और इतनी क्यूटली वो बात कर रहा है पीछे देखो पीछे, वो इतना ज़्यादा वायरल हो गई कि वो इतना फेमस हो गया वो बच्चा, वायरल ही हो गया वो बच्चा। और आजकल ना पता नहीं हो रहा कब किसकी वीडियो वायरल हो जाए, कुछ पता नहीं होता। अभी हाल फिलहाल में एक बच्चा और वायरल हुआ, सुई वाला, वो जो इंजेक्शन, कोई वही बंदा उस इंजेक्शन लगा रहा होता है, पहले तो डरता है हाथ के यहाँ इंजेक्शन लगा, पहले तो वो बहुत डरता है, मना करता है। तो जैसी जैसी वो इंजेक्शन लगाता है वो क्या करता है, तू लगा, मैं रोऊंगा नहीं, पता नहीं कुछ अलग ही है। और हर बंदा, एक बच्चा वो फेमस हो गया जो सिंगर था, यार मेरा प्यार वो ऐसा कुछ गाना करके था, बचपन का प्यार, वो फेमस हो गया। तो आजकल तो हर मतलब पता नहीं, मतलब वाकई में बच्चे कुछ मतलब ऐसा सोच के नहीं करते कि हम फेमस हो जाएंगे, तो बड़े लोगों का ही फंडा हो गया। बच्चों को तो पता भी नहीं फेमस क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो बस अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं अपने बड़ों को, या फिर जो बड़े बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो कर देते हैं, या उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। लेकिन वो तो उन्हें क्या पता होता है कि हमारी चीजें इतनी अच्छी लग जाएंगी लोगों को कि अभी वायरल ही हो जाएंगे हम लोग वाकई में। तो वाकई में बच्चे, वाकई में बच्चे के अलावा कोई ऐसा है नहीं जो एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा कर पाए, क्योंकि वो उनका ऐसा दिल से होता है और ऐसा नहीं होता सोच करके कि हमने ये करना है ये होने के लिए, फेमस होने के लिए, वो करना है फेमस होने के लिए। उनका बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं ये चीज़ें, और वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को, बच्चों को नहीं सॉरी बड़ों को। हाँ। ये बात तो है, तो वाकई में बच्चे वाकई में एंटरटेनमेंट है। अगर बच्चा कहीं घर में हो ना तो आपका घर में ना चहल लगी रहती है, चहलकर्मी एक तरह से लगी रहती है, रौनक लगी रहती है, मेन वर्ड है रौनक लगी रहती है। बच्चा घर में है ये वो खुशियाँ रहती हैं घर में, बट फिर जब बच्चा नहीं होता घर में ना तो फिर सूना लगता है, ये लगता है, फिर वो चीज़ें बहुत अजीब सी लगने लग जाती हैं, वो दीवारें ऐसे खाने को पड़ती हैं कि बिल्कुल क्या हो रहा है घर में, कुछ है ही नहीं जैसे। बिल्कुल तो बच्चा होना तो बहुत ज़रूरी है, और एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, एक क्योंकि आजकल पता नहीं होता यार कितनी बीमारियाँ हैं, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। तो सेफर साइड, हालांकि हर किसी की अपना पर्सनल लाइफ है, कोई एक करे, कोई दो करे, कोई पाँच करे, कोई दस करे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हर किसी की अपने पर्सनल लाइफ है। बट मेरा एक पर्सनल ये ओपिनियन है कि बच्चे ज़्यादा ही होने चाहिए, मतलब दो या तीन बच्चे तो होते, दो मिनिमम दो बच्चे तो होने ही चाहिए, ताकि आपस में भी वो घुल मिल जाए और खेले। प्लानिंग को मारो गोली। क्योंकि हाँ वाकई में ये अल्लाह का एक तोहफा है, गिफ्ट है ये अल्लाह का दिया ना। बट आजकल ना लोगों की सोच थोड़ी वैसी हो गई, वो ना तो बहुत लेट बच्चा करते हैं और एक बच्चा ही करते हैं, उसके बाद नहीं पास और बच्चा नहीं करना, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके माइंडसेट ऐसा होता है। जब हम पल गए तो हमारे बच्चे भी पल जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम सस्ती। आप खुद ही बताए थे कि मेरे सात बहन भाई हैं, बिल्कुल, तो हमारे चाचा चाची मामा मामी वो काफी ज्यादा है, और शिवानी का कोई एक मामा है, उनके 11 बच्चे हैं, है ना, 11 बच्चे हैं, 11 मेरे रियल मामा भी, रियल मामा के 11 बच्चे, सोचो दोनों घर पे लगी रहती होगी। मतलब ये उस टाइम की बातें होती हैं जब वो सोचते नहीं थे कि हमने प्लानिंग कर दी है और घर कैसे चलेगा वगैरह, ये सब चीजें। 11 बच्चे पैदा करने में क्या कितने 15 साल लग गए होंगे, पता नहीं मुझे, 15 साल तो लगी ही होंगे आराम से, वो उनका लड़के के चक्कर में था। ये आजकल वाकई में है लड़के चक्कर में ना बंदा बच्चे करता रहता है। उनकी 9 बेटियां और 2 बेटे हैं, बताओ, चलो 2 बेटे तो हुए तो सही। उनके ख्वाहिश पूरी हो गई, हुआ क्या था, पहले उनका उनकी बेटी हुई थी फिर बेटा हुआ, तो पहले के लोग ऐसे करते थे कि जोड़ी बनाते हैं, एक बेटा और एक बेटी और होनी चाहिए, फिर बेटी हुई, फिर उसके बाद फिर बेटी हुई, तो फिर एक और बेटा करने के चक्कर में इतनी सारी बेटियां फिर से की उन्होंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी वैसे आसान नहीं चाहिए, हम तो चलो नॉर्मल एक ऐसी मजाक के में ले रहे हैं, बट ठीक है, जो जितने बच्चे कर रहे हैं ठीक है भाई, अल्लाह की देन है, जो जितने कर रहे हैं बिल्कुल। और ऐसा नहीं होता कि मतलब उनके लिए रिस्क नहीं होता, या ऐसे यही बोलते हैं ना क्या, रिस्क इंग्लिश वाला नहीं, रिस्क वो रिस्क जो एक तरह से अल्लाह जो देता है, एक तरह से पालना पोसना अल्लाह की तरह, बरकत एक तरह से अल्लाह देता है वो चीज, तो वो सब तो अल्लाह के हाथ में होता है ये सब, ये हमारे बस में नहीं होती चीज़ें बिल्कुल। तो चलते हैं गाइस, इस्लामिक बयान चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इनके चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।